हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होटेलियर लाइफ नॉलेज में। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लांचिंग के बारे में, जो आप रेस्टोरेंट या फिर होटल में कहीं पर भी पालक से रिलेटेड लाइक पालक पनीर या फिर कॉर्न पालक या फिर आप दीवाने हांडी या फिर अगर कुछ भी पालक की डिशें खाते हैं तो आपको उसका कलर जो है डाउटफुल लगता होगा, इतना हरा दिखता है कि मतलब अडोरेबल होता है, बहुत ज़्यादा हरा होता है। आपको लगता होगा कि इसमें कलर मैंने मिक्स किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बिल्कुल ओरिजिनल कलर होता है। वो होता है कि हम पालक को ब्लांच कैसे कर रहे हैं, उसमें जो कलर आता है फ्रेंड्स, वो मेन होता है पालक ब्लांचिंग का, कि पालक ब्लांचिंग मेथड आपने किस तरीके से की है और जो पालक ब्लांच हुआ है वो कैसा हुआ है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि हम लोग जो होटल या रेस्टोरेंट में नॉर्मली जो पालक ब्लांच करते हैं वो कैसे करते हैं और उसको उतना हरा कैसे रखते हैं कि ताकि वो अगर आप उसको पकाने के बाद भी उसका कलर सेम बना रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो उसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पालक की जड़ है उसको अच्छे से काट के रिमूव कर लेना है। उनसे जड़ें या फिर कोई मोटी डंठल टाइप की हो तो इस तरीके से पूरे पालक की जड़ें हमें अलग कर लेनी है, जड़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से सारा पालक काट के एक बर्तन में उठा लें। मैंने देखो पतीले में उठा रखा है, आप चाहे तो किसी और बर्तन में भी उठा सकते हैं। हमें इसको वॉश करना है इस तरीके से। इसमें पानी डालेंगे, ये देखिए दोस्तों पानी भी खुल चुका है। तो इसको हमेशा डीप करके धोना है, ऐसे नहीं धोना है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको इसी तरीके से पूरा रगड़ कर धोना है, और वो भी कम से कम 3 से 4 बार, एक बार में साफ नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको एक परात में उठा लिया है, इसको ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि इसमें जो मिट्टी होगी इस पानी को फेंक के इसको दोबारा से धोएंगे। आप लोग देख सकते हैं इसको एक बार में बिल्कुल भी धो ब्लांच ना करें क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने दोबारा भी पानी पतीले में खोल लिया है। इस पानी को अच्छे से धोने के बाद फिर से किसी में धोना है। ये देखिए पानी आधा से ज़्यादा भर चुका है, तो इसमें पालक में फिर से डालूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से कम 3 से 4 बार धोना है, एक बार धो के ब्लांच नहीं करना है। ये देख आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पानी मैंने पहले से ही बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, जो अच्छे से उबल रहा है। जब तक हमारा पानी अच्छे से उबले ना, पालक आपको नहीं डालना है, पालक ब्लांच करना है, पालक ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। हमारा पानी जब तक इसी तरीके से उबल नहीं रहा हो, पालक में बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा पानी इस तरीके से उबल जाएगा, उसके बाद आप चाहें अगर होटल में कर रहे हैं तो आप बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर पर बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं है तो आप इस तरीके से इसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बेकिंग पाउडर है तो मैं पालक डालने से जस्ट पहले इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर लूँगा इस तरीके से। और जैसे बेकिंग पाउडर ऐड करूँगा फ्रेंड्स, उसके तुरंत बाद मैं इसमें अपना पालक ऐड करना है। और ये देखिए मैंने अपना पालक भी ऐड कर लिया है, और जैसे ही मैं अपना पालक ऐड करूँगा इसका टेम्परेचर जो है बिल्कुल गिर जाएगा, पानी का पानी बिल्कुल आधा ठंडा हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको पालक इसमें दबा लेना है पानी में, और फ्रेंड्स जैसे ही आपका पालक दबेगा तो पानी का टेम्परेचर पहले से गिर चुका है। अब आपको वेट करना है इसका एक उबाल आने का। जैसे ही आपका पालक जो है पानी से ऊपर आ जाएगा, खुद ही तैरने लग जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि पालक जब ब्लांच हो जाता है तो ऊपर कैसे तैरने लगता है। देखिए फ्रेंड्स, पालक जो एक तरफ को पूरा हो चुका है, इस तरीके से आपको इसको एक साइड से दबा लेना है, और पानी देखिए उबाल आ चुका है दोबारा से, तो आपको इसको स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के लिए आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल ठंडे पानी में डालना है बिल्कुल ही इस तरीके से। मैंने स्ट्रेनर लिया है, आपको इस तुरंत पालक डालना है वो भी ठंडे पानी में। आप चाहे तो जैसे हमने पालक धोया था वैसे ही ठंडा पानी रख के आप पालक सीधे उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसमें 2 से 3 बार करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि पानी सीधे स्ट्रेन हो रहा है, तो आपको इसी तरीके से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी तरीके से पालक को निकालें, सीधे ठंडा करें। गर्म पालक को बिल्कुल भी ना छोड़ें, वो काला पड़ जाता है, उसको तुरंत ठंडा करना होता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पानी खोल के सारा पालक स्ट्रेनर में डाल के उसके ऊपर से इस तरीके से आइस भी डाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आइस डाल दें तो आपका पालक और भी ज़्यादा हरा का हरा ही रहेगा, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स ऐसे होटल एंड रेस्टोरेंट में करते हैं पालक ब्लांच। ऐसे ब्लांच करने से क्या होता है कि पालक का जो कलर है वो बिल्कुल भी फेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल हरे का हरा ही रहता है। इसीलिए आप रेस्टोरेंट या होटल में पालक से रिलेटेड कोई भी डिश खाते हैं तो आपको वो इतनी हरी दिखती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने